Hello everyone, in this lecture you will learn about the Bernoulli's principle and its derivation of equation. So what is the Bernoulli's principle, where it is used? There are so many applications of daily life in which the Bernoulli's principle applied, like lifting up of the aircraft wing, atomizer, cause of the heart attack. These all are the applications of the Bernoulli's principle. All these works on the Bernoulli's principle. So first we introduce or state this principle. What is the meaning of the Bernoulli's principle? So if we are having a liquid which is flowing through the pipe, then the sum of three terms remains constant always for an ideal fluid. What is the meaning of ideal fluid? एक ऐसा fluid जो कि non-viscous हो, clear, जो incompressible हो, streamlined हो और irrotational हो. एक ऐसा fluid जिसके पास ये चार properties होती हैं, उसे हम एक ideal fluid कह सकते हैं. और इस ideal fluid अगर किसी variable cross section के pipe में flow होता है, जो हम different height पर भी उसको raise कर रहे हैं, यानी अलग-अलग heights हैं अलग-अलग cross section की, तो वहाँ पर three terms का sum जो है वो constant रहता है. कौन-कौन सी three terms है? The first term is pressure energy per unit volume. The second term is the kinetic energy per unit volume and the third one is the potential energy per unit volume. यानी इन तीनों टर्म्स जो है इनका सम कांस्टेंट रहेगा. अब देखो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं. क्लियर, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम प्रेशर एनर्जी. तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम, वो प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करेगी. इसीलिए देखो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो वो पी ही रिप्रेजेंट होता है. इट इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वी, वी फॉर वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी. क्लियर, इसीलिए हम इसको स्टेटमेंट में रो से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज द डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. एंड द थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है, उसको वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट रो जी एच. अगेन एम अपॉन वी को हमने यहां पर रो से रिप्रेजेंट किया है, विच इज द डेंसिटी. एंड द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इज कॉन्स्टेंट. तो एक बार मैं इसको प्रिंसिपल को वापस रीड कर लेता हूं. इट इज स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कॉमनली लिखा है मैंने तीनों के लिए, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, पहला पॉइंट, नॉन विस्कस, दूसरा पॉइंट, फ्लूइड इन एन स्ट्रीम लाइन, थर्ड पॉइंट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो, एंड द फोर्थ पॉइंट इज इरोटेशनल फ्लो, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यानी इन चारों प्रॉपर्टीज के साथ में अगर हम किसी फ्लूइड को लेते हैं तो उस समय ये जो टर्म है, इन तीनों टर्म्स का सम, ये कांस्टेंट रहता है. और इसी तरह के फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं. तो ये इक्वेशन हम मैथमेटिकली इसको बर्नौलीज प्रिंसिपल कह सकते हैं. नाउ अब इसको प्रूव करने के लिए या इसको डिराइव करने के लिए हमने एक पाइप कंसिडर किया है जिसमें एक आइडियल लिक्विड फ्लो हो रहा है और क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है इसका. क्लियर, तो यहाँ क्रॉस सेक्शन हाई है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया. एंड देन सेकेंड हमने यहाँ पर एक आइडियल फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है उसको लिया है और इसको इस पर्टिकुलर एलिवेशन में, यानी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम इसको रख रहे हैं. तो हाइट क्या होगी, हर क्रॉस सेक्शन पे चेंज हो रही होगी. यानी अलग अलग पॉइंट्स पर हाइट की अगर बात करूं सेंटर पॉइंट से, जैसे हम हाइट जो मेजर कर रहे हैं वो इसके सेंटर पॉइंट से कर रहे हैं, तो यहाँ हाइट एच वन है और इस पॉइंट पर हाइट जो है सेंटर पॉइंट पर वो एच टू है. अब एक स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, सपोज यहाँ जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी वी वन और यहाँ जो लिक्विड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी वी टू है. तो यहां v1 यहां v2 हम ले रहे हैं, तो v इंटू डेल्टा t डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करेगा. तो v1 डेल्टा t की वैल्यू यहां पर ये डिस्टेंस ट्रेवल होगी और v2 डेल्टा t क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल होगी. एंड नाउ वी नो व्हाट द कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, a1 v1 यानी एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहता है फॉर द आइडियल फ्लूइड. तो यहां पर हम a1v1 equals to a2v2 लिखेंगे. तो a1v1 और a2v2 यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है. तो जब एरिया डिक्रीज होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज कांस्टेंट. क्लियर, अगर यहां पर ये एरिया डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा.
बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट. सो यहां देखो इस पॉइंट पर एरिया डिक्रीज हो गया तो यहां वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो v2 इज ग्रेटर है ना, सिंस यहां पर a2 की वैल्यू जो है वो कम है तो v2 की वैल्यू, इसीलिए देखो सेम टाइम में यहां डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है यहां डिस्टेंस ट्रेवल कम है, तो इसीलिए हमने, लेकिन अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होगा जो मास होगा इस दोनों रीजन में, इसको रीजन ए कह रहा हूं इसको रीजन बी कह रहा हूं, मास ऑफ द लिक्विड जो होगा वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. क्लियर? तो यहां पर हम इस तरह के ए और बी क्रॉस सेक्शन में या ए और बी रीजन में हम बात कर रहे हैं. यहां हाइट एच वन एच टू, देखो फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज प्रेशर इन टू एरिया. We know the pressure is what force per unit area, तो force will be pressure into area. तो इसको हमने P1 A1 लिख दिया और उसको हमने उधर जो force लग रहा है that is P2 A2. तो ये हमारे पास में pressure का और force का expression, ये force का expression. तो various terms मैंने यहाँ पर लिख दी है, V is the velocity, delta T time, H height, A area, P pressure, rho density. And this is the continuity equation according to which we can say V2 is greater than V1. क्लियर? और इसीलिए वो हाइट यहां पर ज्यादा आ रही. नाउ कंसीडरिंग एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन में वो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ये हमने कंसीडर किया है. प्लेस्ड एज शोन, यानी हाइट भी हमने डिफरेंट रखी है और जैसा हमने डायग्राम में शो किया. द वेरियस क्वांटिटीज आर ऑल्सो रिटन विद द डायग्राम, सो नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. Now we again come to the point, जो हम derivation यहाँ करेंगे direct उस पर आते हैं. तो इसको derive कैसे करें, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर energy conservation, actually ये जो derivation होगा ये energy conservation के according होगा. तो energy जो है वो conserved होती है, जो total work done on the fluid होगा that will be equivalent to the change in kinetic energy plus change in potential energy. ओके इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन कहेंगे कि हम इस फ्लूइड पर इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो ए वन है जो टोटल वर्क कर रहे हैं ओके उस टोटल वर्क नेट वर्क होगा. देखो एक वर्क डन यहां भी मिलेगा एक यहां भी मिलेगा, उनका नेट अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं तो नेट वर्क डन विल बी इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और इसी प्रिंसिपल को कंजर्वेशन एनर्जी को यूज लेके हमें इस बर्नौली प्रिंसिपल को डिराइव करना है. ओके सो द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से लिख देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. So what is our task, to find change in kinetic energy, change in potential energy and the network done. Okay, ये हमें तीनों calculate करने हैं, इसमें substitute करना है और उससे हमें ये equation जो है Bernoulli's principle की ये prove हो जाएगी. So इसको हम first लेते हैं. Now the change in kinetic energy, हम किस part की बात कर रहे हैं, A से B के बीच में. Yeah? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो हाफ एम वी टू स्क्वायर, यहां वेलोसिटी कितनी है उस लिक्विड की, वी टू है, और माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, यही होगा. यहां पर वेलोसिटी कितनी है, वी वन है. क्लियर? तो हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज. ओके तो इसको भी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहां हाफ एम को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, एंड लेट इट इज इक्वेशन नंबर टू. ओके सो हाफ m कैन बी टेकन एज कॉमन एंड इट विल बी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड वन, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम डेल्टा u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पर वी नो इट इज एम जी एच. ओके जो सिंपल एक्सप्रेशन है वो हम यहां यूज लेंगे, सो इट इज एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, हियर ऑल्सो एम जी कैन बी टेकन एज कॉमन, सो दिस विल बी एम जी एच टू माइनस एच वन, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. ओके ये है, ये टू इक्वेशन इसको कह रहे हैं, थर्ड इक्वेशन इसको कह रहे हैं. नाउ द थर्ड वन, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड.
ठीक है, या जो अपना लिक्विड है उसकी हम बात करें। देखो आइडियल फ्लूइड का मीनिंग भी इनकम्प्रेसिबल अगर हम कह रहे हैं आइडियल को, तो उसमें लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड स्टेट जो होती है वो इनकम्प्रेसिबल होती है, इसलिए आइडियल फ्लूइड का मीनिंग लिक्विड से होता है, क्लियर, आइडियल लिक्विड कह सकते हैं। सो द थर्ड वन इज द नेटवर्क डन ऑन द लिक्विड और फ्लूइड is, देखो वर्क डन को अब हम कैसे लिखे, वर्क डन वैसे होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखो मैं यहां पे शो करता हूं, जनरली क्या होता है वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, और ये पी इंटू वी को रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन, क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम इसको कई बार यूज लेते हैं, वर्क डन इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और इसी को प्रेशर एनर्जी भी कहा जाता है, इसी को प्रेशर एनर्जी भी कहा जाता है, क्लियर। देखो मास मैंने कॉमन रखा है, मैंने पहले भी कहा था ए और बी रीजंस में जो मास है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड है जिसको मास की फॉर्म में लूं तो वो कांस्टेंट है, क्लियर, तो एम को चेंज नहीं करना या ध्यान रखना। अब हम वर्क डन की बात करें तो देखो ये यहां पर एक तो वर्क डन होगा ऑन द फ्लूइड, जो हम यहां पर फ्लूइड पे वर्क कर रहे हैं दैट इज पी वन वी वन, ये भी ध्यान रखना वॉल्यूम है, दिस वी इज द वॉल्यूम, क्लियर, जिसको मैं आगे अभी मास में कन्वर्ट करूंगा, एंड सेकेंड वन इज पी टू वी टू, क्लियर। यहां जो फ्लूइड है बी रीजन में वो फ्लूइड खुद वर्क करता है, इट इज वर्क डन बाय द फ्लूइड, और यहां जो वर्क है वो ऑन द फ्लूइड है, तो उसको बाय द फ्लूइड को हम यहां नेगेटिव लेंगे, यहां ये पॉजिटिव नहीं होगा, ओके okay? तो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, इट इज बाय द फ्लूइड, इट इज ऑन द फ्लूइड। Now, V को हम देखो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन मास की टर्म में है ना, तो यहां भी एक्सप्रेशन हम मास की टर्म में लिखते हैं, तो रो क्या होता है, देखो डेंसिटी को अगर मैं लिखूं तो इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी थ्रू आउट द फ्लूइड क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, क्लियर। सो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम की वो डेंसिटी की टर्म में लिखूं तो क्या होगा P1 m अपॉन रो, क्लियर, P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो, देखो मास भी कांस्टेंट है रो भी कांस्टेंट है, तो एक्चुअल में यहां V1 V2 भी नहीं लिखे तो चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है अमाउंट मास की फॉर्म में हो चाहे वॉल्यूम की फॉर्म में हो वो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर, तो वॉल्यूम विल बी सेम, सो क्योंकि आइडियल फ्लूइड है तो यहां भी अगर मैं एम बाय रो को कॉमन ले लेता हूं तो इट विल बी पी वन माइनस पी टू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। सो नाउ वी आर रेडी विद वर्क डन एक्सप्रेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट टू सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर वन। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग the values of equations 2, 3 and 4, या 2 to 4 in equation 1, यानी equation 1 में हम equation 2, 3 और 4 की value को substitute कर देते हैं, तो क्या मिलेगा देखो हमें उस equation में, this will be W equals to, implies, W is what, it is M by rho P1 minus P2, m by rho p1 minus p2, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाय 2 m v1 स्क्वायर माइनस सॉरी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज m g h2 माइनस h1, ओके यही रहेगा, देखो m m m कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, द m विल बी कैंसल आउट हियर, प्लस इस रो को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये रो वाली टर्म जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, प्लस एक चीज और मैं करूंगा यहां पर, वो ये कि जो वन जहां सबस्क्रिप्ट लिखी है ना उसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जहां टू सबस्क्रिप्ट है ना उन सभी को वहां उधर उस साइड में ले जाते हैं, यानी वन सबस्क्रिप्ट वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और टू सबस्क्रिप्ट वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो पी वन एक सिंगल वहां यहां रह जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं P1, क्लियर, सो P1 रो उधर चला गया, और प्लस ये अगर V1 वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में,
सो पी वन प्लस वन बाय टू रो वी वन स्क्वायर, ये वी वेलोसिटी है ध्यान रखना, और ये रो डेंसिटी है। तो रो इधर आया और वी वन स्क्वायर ये एज इट इज लिख दिया, फिर यहां से ये रो इधर गया तो रो जी और एच वन, तो थर्ड टर्म आ जाएगी रो जी एच वन। सिमिलरली द राइट हैंड साइड विल बी सेकेंड सबस्क्रिप्ट के साथ में, इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो पी टू पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो वी टू स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, और थर्ड टर्म आ जाएगी रो जी एच टू। और यहां पर देखें अगर तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने स्टार्ट में इसके प्रिंसिपल में कहा था, ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है जहां हम कह रहे थे p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो ये देखो ये वाली टर्म आ गई फर्स्ट टर्म के लिए, यानी फर्स्ट जो हमारा क्रॉस सेक्शन है ए, जो ये रीजन है इस ए रीजन के लिए p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, और ये राइट हैंड साइड क्या आ रही है सेकंड, इस सेकंड क्रॉस सेक्शन या सेकंड रीजन डी के लिए, तो ये हो जाएगा पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। और अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं ना कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो, अगर मान लो एक थर्ड अदर कोई क्रॉस सेक्शन होता तो उसके लिए थर्ड थ्री सबस्क्रिप्ट लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो वी गेट द सेम एक्सप्रेशन फॉर वेरियस क्रॉस सेक्शन एंड दिस शोज दैट द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं, सो लास्ट इक्वेशन विल बी हैंस वी कैन राइट दिस पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट, और यही चीज इसको प्रूव करती है, हैंस प्रूफ, इसको हमने प्रूव किया है कि यस द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से वेरिएबल क्रॉस सेक्शन लेके और एनर्जी कंजर्वेशन को यूज लेके कि वर्क डन कितना किया नेट, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना, वेरी इजी टॉपिक, ये बहुत इजी टॉपिक है, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि किन स्टेप्स को फॉलो करना है, प्रोसीजर अपने को ध्यान रखना है, ओके। और बहुत सिंपल वे में हमने यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकेंड जो सब्सक्रिप्ट थी उसके लिए इसको इक्वेट कर दिया। सो नोट डाउन दिस वन।